नांदेड़ जिले के बोंडारा हवेली गांव में दलित युवक अक्षय भालेराव की निर्मम हत्या के खिलाफ राज्यभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को दिग्रस पालिका के पूर्व नगर सेवक कैलाश जाधव के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी और दलित समाज बंधुओं ने तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकालकर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट। जातिवाद के डंक से निकले घृणा और द्वेष का जहर कितना जानलेवा होता है, इसकी दिल दहला देने वाली दर्दनाक जिंदा मिसाल नांदेड़ जिले के बोंढार हवेली गांव में हाल ही में सामने आई है। इस गांव के निवासी युवक अक्षय भालेराव की जातिगत कारणों से निर्मम तरीके से हत्या कर हत्यारों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हत्या का कारण ऐसा है जिसे सुनकर किसी भी प्रगतिशील, संवेदनशील और इंसानियत पसंद इंसान का दिल दहल जाए। अक्षय का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती का भव्य आयोजन किया था और उसकी यही पहल वहां के कुछ दलित द्वेषी लोगों को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने अक्षय को एक कार्यक्रम के दौरान घेर कर धारदार शस्त्रों से उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के खिलाफ जहां राज्य भर में दलित और बहुजन समाज के लोगों ने विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है, वहीं बुधवार को दिग्रस शहर में पूर्व पार्षद कैलाश जाधव के नेतृत्व में और वंचित बहुजन आघाड़ी की अगुवाई में समाज की महिलाएं, पुरुष, युवा और बुजुर्गों ने आयोजित मोर्चे में हिस्सा लेकर हत्यारों के खिलाफ नारेबाजी कर दोषियों को फांसी और अक्षय के परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई है। आमचा इतिहास असा आहे की 500 महारांनी 35,000 लोकांना कापून टाकलेला आहे। अशा अशा प्रकारचे जर होत असाल, असा अन्याय होत असाल, तर आमचं पुन्हा भीमा गोरेगाव झाल्यासारखं राहणार नाही। हे अशा प्रकारचे आम्ही या ठिकाणी शब्द काढतो, परंतु आम्ही कायदा हातात घेणार नाही। परंतु अन्याय अत्याचारही कुठपर्यंत आम्ही सहन करायचं आहे, शेवटी आम्ही माणसं आहोत। दुनिया जानती है कि भारत देश की जनता के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए भारत रत्न महामान और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता से संविधान का कवच बनाया था, लेकिन बावजूद इसके आज भी कई अकल के अंधे ऐसे हैं जिनके सर पर खुद की जाति और धर्म के श्रेष्ठ होने का भूत सवार रहता है और इसीलिए वे कभी डॉक्टर बाबा साहब से तो कभी किसी दलित से, कभी अल्पसंख्यक से तो कभी किसी कथित समाज के खिलाफ द्वेष की भावना रखते हैं। श्रेष्ठ जाति का हास्यास्पद भ्रम पालने वाले और अहंकार की दलदल से उपजी ऊंच नीच की सोच रखने वाले अक्षय भालेराव के हत्यारे भी इसी श्रेणी में आते हैं। जातिवादी लोकांनो, तुमच्या मनात जर जातिवाद्यांचा कीड भरलेली असेल, बाबासाहेबांनो संविधानाच्या पहिल्या पानावर लिहिलं, आम्ही भारताचे लोक, म्हणजे तुम्हाला मान दिला लोकांना, देवाचं आमचे देव नाही लिहिले, कोणतेच देव नाही लिहिले, तुम्हाला लोकांना पहिल्यांदा प्रथम स्थानी ठेवलं आणि तुम्हीच लोक बाबासाहेबांचा एवढा तिरस्कार करतात, मी निषेध करतो। बहरहाल पूर्व पार्षद केटी जाधव की पहल से और वंचित बहुजन आघाड़ी सहित तहसील के सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, दलित तथा बहुजन समाज बंधुओं ने बड़ी संख्या में इस मोर्चे में शामिल होकर तहसीलदार के माध्यम से अक्षय भालेराव के हत्यारों को फांसी दिलाने, भालेराव परिवार को 50 लाख रूपये की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, हत्याकांड के चश्मदीदों की सुरक्षा करने और इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की है। NBC न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।